धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में वैज्ञानिक बरसों से जुटे हुए हैं। इस बीच जाने माने यूएफओ विशेषज्ञ निक पोप ने दावा किया है कि एलियंस खतरनाक आधुनिक हथियारों के साथ आएंगे और धरती को अखरोट की तरह तोड़ देंगे। ब्रिटिश सरकार के लिए यूएफओस की जांच करने वाले निक पोप का दावा है कि एलियंस के आगे हम इंसान कहीं भी नहीं टिक सकते, क्योंकि तकनीक के मामले में वो हमसे करोड़ों साल आगे हैं। उनके हथियार इतने ज्यादा आधुनिक हैं कि वो इसे हम पर जादू कर सकते हैं। अमेरिकी सरकार ने इसी महीने की शुरुआत में यूएफओ से संबंधित खुफिया रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2004 से अमेरिकी वायुसेना को 143 से ज्यादा अज्ञात वस्तुएं आसमान में दिखी। इनके बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इससे धरती पर एलियंस के आने की आशंका बढ़ गई। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह भी माना गया कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। हालांकि ब्रिटेन की सरकार इस मामले में किसी भी तरह की जांच करने के मूड में नहीं है। सरकार द्वारा संभावित खतरे को न देख पाने के चलते निक पोप ने नाराजगी दिखाई है। उनका कहना है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि अचानक से हम अपने बैग से कुछ निकालेंगे और एलियंस को हरा देंगे तो यह हमारी बड़ी भूल होगी। वैज्ञानिक का कहना है कि ब्रह्मांड 1400 करोड़ साल पुराना है। इसकी पूरी संभावना है कि ब्रह्मांड में हमसे करोड़ों साल पुरानी सभ्यता हो। तकनीक की बात करें तो सोचिए 100-200 साल पहले हमने कितनी तरक्की की है। घोड़ा गाड़ी से लेकर अब हम अत्याधुनिक विमान बना रहे हैं, स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच आ गए हैं। जरा सोचिए वो हमसे कितने आगे होंगे। साथ ही निक पोप का कहना है कि दूसरी सभ्यता के लोगों से हमारा सामना होने की संभावना काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि तकनीक और वैज्ञानिक समझ के मामले में वे निश्चित तौर पर हमसे 20 से 30 साल आगे होंगे। तकनीक के मामले में वे हमसे करोड़ों साल आगे होंगे और यकीन मानिए चुटकी बजाते ही हमें खत्म कर देंगे। बता दें कि 1990 के दशक में निक पोप रक्षा मंत्रालय के यूएफओ प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया करते थे। वर्तमान में वो एक पत्रकार और लेखक हैं। दूसरी दुनिया को लेकर समझ के मामले में उन्हें विशेषज्ञ माना जाता है। उनका कहना है कि हमने तकनीक के मामले में काफी तरक्की की है, लेकिन एलियंस के हमले से निपटने को लेकर हमने अभी तक तैयारी नहीं की है। निक पोप का कहना है कि हमारे पास अंतरिक्ष कार्यक्रम है, लेकिन सूर्य के अलावा किसी और तारे के पास जाने में हमें 75,000 साल लग जाएंगे। ऐसे में कोई अगर हम तक आएगा तो उनकी तकनीक इतनी ज्यादा एडवांस होगी कि वो इंटरस्टेलर ट्रैवल विकसित कर चुके होंगे। वे अगर चाहेंगे तो धरती को अखरोट की तरह फोड़ देंगे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।